मनीष जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। प्रणाम आपको, दर्शकों को भी प्रणाम। मनीष जी, दो तीन घटनाएं इधर हुई हैं, उन घटनाओं पर तो हम आएंगे, लेकिन अचानक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उससे पहले महुआ मोइत्रा से लेकर के शशि थरूर और जो मैं नाम गिना रहा हूं, ये वो हैं जो हाल में चर्चा में रहे हैं, जिनके फोटोग्राफ, जिनके वीडियो जाम टकराते हुए, सिगार पीते हुए, साथ साथ बैठे हुए, ये सब पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में आई हैं। इन लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए कि साहब एप्पल की आईडी पर कुछ सूचनाएं आई हैं, और वो सूचनाएं क्या हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने किया है, महुआ मोइत्रा ने, वो तो बहुत ही आपत्तिजनक है। एक अखबार की मैं खबर आपके सामने पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। यानी इनके पास पहले से ही जानकारी है कि केंद्र सरकार कर रही है। पता नहीं इन्होंने कौन सी एजेंसी से ये जांच पड़ताल कर ली और इस नतीजे पर पहुंच गई। फिर ये लिखती हैं कि हाँ, खबर में लिखा गया है कि महुआ ने लिखा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है, अड़ानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के गुंडों, तुम्हारा डर देखकर मुझे तरस आता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम सीताराम येचुरी ने भी यही दावा किया है। और इसके कुछ देर बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अलर्ट, यानी एप्पल की मेल वाला अलर्ट जो है, मेरे ऑफिस में सबको मिला है, कांग्रेस में लिस्ट बनी है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, प्रियंका, इनके साथ भी ऐसा हुआ है, सरकार चाहे तो मेरा फोन ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पवन खेड़ा किस खेत की मूली है जो इनका फोन भी हैक होगा, इनकी ईमेल भी हैक होगी। इसी तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ऐसी कितनी बड़ी नेता है कि भारत सरकार उनका फोन हैक कराना चाहेगी, या वो इतनी बड़ी नेता बन गई हैं कांग्रेस की कि वो रणनीतिक चर्चा करती होंगी फोन पर कि आगे क्या लाइन लेनी है, कैसे लाइन लेनी है। मतलब जो नाम गिनाए गए हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे सारे स्टाफ के साथ यही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, थरूर के साथ हुआ है, महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है, सीताराम येचुरी के साथ हुआ है। मतलब ये वही सारा एक तरीके से गिरोह गैंगअप कर रहा है और एक पेशबंदी करने की कोशिश कर रहा है, जो आपस में मिला जुला है और जो आपस में बैठ के भी करता है, और जो जिनकी चर्चाएं भी, फोटो भी, वीडियो भी हाल में काफी चर्चित हुए हैं। आपका क्या मानना है? सर, आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक फोन हैकिंग का मामला सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने शिकायत की थी। उसमें जो बहुत सारे खैराती पत्रकार, उनके नाम नहीं आए थे, दो लोग बेचैन थे, मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरा नाम क्यों नहीं, इसका मतलब मैं चिरकुट पत्रकार हो गया क्या, मैं बड़ा पत्रकार नहीं हूं क्या। तो उन लोगों ने भी फैलाना शुरू किया, मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है। ये बड़ा बनने का एक तरीका है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, आप देखते होंगे कि मोदी जी कभी भी राहुल गांधी का भी नाम नहीं लेते किसी मामले में, कहना भी होता है तो नाम। आज तक उन्होंने केजरीवाल का कभी नाम ही नहीं लिया, तो बड़ा बनने नहीं देना है। अब इसमें देखिए कि राहुल जी कह रहे हैं कि मेरा फोन ले जाओ। साहब, फोन आपका ले जाया जाएगा, जैसे संजय सिंह का ले जाया गया, जैसे मनीष सिसोदिया का ले लिया गया, जैसे केजरीवाल का ले लिया जाएगा, समय तो आने दीजिए। मतलब आपको डर पहले ही से केजरीवाल की तरह लग गया है कि गिरफ्तारी तो होगी। राहुल गांधी ऑलरेडी बेल पे चल रहे हैं, लेकिन वो मामला क्या है? मामला वो है नेशनल हेराल्ड वाला, भ्रष्टाचार का मामला। लेकिन आपका उज्बेकिस्तान जाना, ऐसे समय में उज्बेकिस्तान जाना, ये खेल क्या है? आपके चेले चपाटों का, इस खैराती पांडे का, इसका कतर जाना, अल जजीरा को वहां इंटरव्यू देना, ये हमारा जो एक संपादक हुआ करता था सनसनीबाद, जिसे मैं कहता हूं, उसका तुर्की जाना, ये सर सामान्य मामला नहीं है।
ये मैं यूं ही नहीं लोगों को खलीहर खैराती कहता हूं, आप भारत के दुश्मन देश में जा रहे हैं और आप कतर एक पत्रकार जाता है जो अपने आप को इतना बड़ा तोपची परिवार का गैंग का सदस्य समझता है, जो कहता है कि मेरे पेट पे लात पड़ गया, मेरे पास यूट्यूब चलाने लायक क्षमता नहीं है। हम जैसे लोगों ने सिर्फ 15-15 हजार रुपए के मोबाइल से चैनल शुरू किया है नौकरी छोड़ करके। वो आदमी कहता है कि मैं तो कंगाल हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल। ये बात उसने बीबीसी को दी इंटरव्यू में कहा। कितने धूर्त होते हैं ये लोग। और आज तुम कतर घूम रहे हो, अमेरिका, यूरोप, पूरे आप दो डिस्ट्रिक्ट घूमिए चुनाव के दौर में, तो पता चल जाता है हम जैसे लोगों को कि कितना खर्चा होता है। चाह करके भी यूपी बड़ी इच्छा हुई कि पत्रकार के रूप में जाएं, जरा यूपी दौरा करें, नहीं जा पाते भाई, बजट अलाउ नहीं करता क्या? 50 हजार कम से कम 1-2 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको तो। मगर एक पत्रकार के रूप में इच्छा होती है कि नहीं जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ चलो 50-25 हजार रुपए इतना तो अभी खर्च कर सकते हैं, 50-60 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं, उससे हमारा अनुभव भी बढ़ेगा। लेकिन तुम यूरोपीय देश यात्रा कर रहे हो, ठीक है, शौक से बहुत पैसा कमा लिया तो चलो एक इच्छा होती है यूरोप घूम ले, कतर, तुर्की, ये सब, ये हिंदुस्तानी के लिए सपना कैसे हो सकता है कि वो कतर जाए और तुर्की जाए? आपका हमारा सपना हो सकता है कि पैसा यदि कमा रहे हैं तो चलो भाई परिवार के साथ एक बार यूरोप घूम आते हैं, लेकिन कतर, तुर्की, ये सब देश सरकार की नजर होगी, होनी चाहिए, और इन सबका फोन टेप होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी गुपचुप उज्बेकिस्तान क्यों जाते हैं? कारण तो बताना पड़ेगा। आप देश के जिम्मेदार नेता हैं, जिस देश के साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं है वहां आप क्यों जाते हैं? आप जाते हैं और हमारा वहां पर जो है हमारे 8 सैनिकों का, अब पूर्व सैनिकों के ऊपर फांसी की सजा हो जाती है। कतर एक पत्रकार जाता है जो जो संदेह के घेरे में है, वो 6-3 महीना पहले कतर जाता है और उसके बाद कतर में खेल हो जाता है। ऐसे होता है क्या? सरकार की जिम्मेदारी है, बजट देश की जनता ने चुना है, इस देश की जनता ने जिस व्यक्ति को, ये उसकी जिम्मेदारी है कि भारत के खिलाफ यदि साजिश हो रही है उसका फोन हैक होना चाहिए। इसमें बैकफुट पे नहीं आना है आपको, चोर के दारी में, हाँ, इसमें जो सब कर, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, इन सबको बड़ा बनने का एक खेल है। क्यों नहीं आपके आपकी नजर क्यों नहीं सरकार की होनी चाहिए? आप संदिग्ध दे रही हैं तो आप पे नजर होनी चाहिए सरकार की, और होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए? इसी ने प्रधान, डर तो आपको लगना चाहिए, आपका फोन उठाया जाएगा यदि, हाँ, यदि आप निर्दोष हैं, कुछ भी नहीं है, तो इस देश में सजा नहीं होती है सर। ऐसे लोगों को बहुत, ऐसा बहुत कम बिरले होता है। और दूसरी बात, जिसको पॉलिटिकल लाभ हानि है उसको छेड़ करके सरकार अपने यहां तबाही नहीं ला सकती है। इस देश में विक्टिम कार्ड खेलने का जो चलन है, इसके कारण किसी नेता को आपने देखा कि सजा हुई है? कभी नहीं होती सजा इस देश में नेताओं को, हाल के दिनों में चीजें। तब सवाल यह है कि आपके पक्ष में क्यों नहीं है? केजरीवाल कहते हैं कि पार्टी बर्बाद करना चाहते, यदि नरेंद्र मोदी पार्टी बर्बाद कर देंगे तो आप विक्टिम कार्ड खेलिए, आपका तो, आप तो सोशल मीडिया से उत्पत्ति हुई है ना, जनता को विश्वास दिलाइए कि आपको, आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। देश की जनता क्यों चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो? इसलिए कि उन्होंने भरोसे की हत्या की है। अब राहुल जी, ये बात जो आप कह रहे हैं सर सामान्य नहीं है। एप्पल कंपनी का नाम जानते हैं क्यों? मुझे जो आज एकाएक ध्यान आया, मेरा कैमरा पर्सन जो है और जो वीडियो एडिटिंग मेरा करता है, उस लड़के ने मुझे अभी एकाएक ध्यान दिया, बोले सर एप्पल भारत में अपनी पैर जमा रही है। बहुत गौर से समझिएगा सर, टाटा ने उसे ले लिया है डायरेक्ट, पहले अमेरिका चीन के माध्यम से आता है। एकाएक एप्पल मतलब भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने की साजिश, यदि एप्पल आपके देश में टाटा बनाने लगेंगे, टाटा जैसे भरोसेमंद, तो एप्पल की कीमत गिरेगी, जो सामान्य आदमी की पहुंच में नहीं है। एक एक मतलब स्टेटस सिंबल जो एप्पल मोबाइल बना हुआ है, वह स्टेटस सिंबल नहीं रह जाएगा, आम आदमी का हो जाएगा। आज से 10 साल पहले सर फ्लैट खरीदना दिल्ली में स्टेटस सिंबल था, एक आदमी के पास 10-10 फ्लैट होते थे और 90 आदमी के पास कोई फ्लैट नहीं होता था। आज आम आदमी की पकड़ में है फ्लैट, लोगों को कम से कम ब्याज दर पे मिल रहा है, ये फर्क है। और इसीलिए मुझे जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से अडानी अडानी सिर्फ करते थे, ये टारगेट किया जा रहा है अब मुझे लग रहा है टाटा को। और ये टाटा से व्यक्तिगत नहीं है, इन लोगों को ना अडानी से नफरत है, ना इन लोगों को टाटा से नफरत है, ना इनको नरेंद्र मोदी से नफरत है, इनको भारत से नफरत है। और ये खेल इस देश की जनता को समझ में आ रहा है और इसीलिए इनका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इनके बाबूजी को 404 सीट इस देश की जनता ने दी थी और ये 40 पर अटक गए हैं, ये फर्क है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस देश की जनता ने इनके साथ ऐसा क्यों किया है। आप म्यूट है सर जी, सॉरी। ये उज्बेकिस्तान गए और वहां बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस की एक करीबी हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई। वैसे
ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां भी डिग्री विग्री लेने के लिए गए हों, कुछ सीखने गए हों, कुछ पढ़ने गए हों और अब देश को पढ़ाएंगे? क्योंकि इनकी बहन ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा था कि मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कैम्ब्रिज और कहाँ कहाँ की डिग्रियां हैं, और बताइए लोग उनको पप्पू कह करके उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है जितनी ये विदेश यात्राएं करते हैं, चाहे थाईलैंड की, चाहे आप उज्बेकिस्तान की या अमेरिका की, लंदन की, ये बार बार कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने जाते हैं और फिर वहां से आकर बिल्कुल के ज्ञान बांटते हैं। सर, कुछ ना कुछ पढ़ नहीं जाते होंगे, कुछ ना कुछ सीखने ही जाते होंगे, ऐसी बात है। पहले लोग बहुत कैजुअली लिया करते थे कि राहुल गांधी, मैं जब कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था तो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पता चलता था कि राहुल जी नहीं है, तो कांग्रेस के जो सेवादार रिपोर्टर हैं वो धीरे से पूछते थे तो लोग इग्नोर करते थे, उसके बाद वही सलाह देते थे कि सर परसेप्शन बन रहा है कि राहुल गांधी बैंकॉक चले गए, तो बोल दीजिए कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं। तो उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आते थे और बोलते थे राहुल जी इटली गए हैं, नानी की तबीयत उनकी बहुत खराब है। तो हमेशा यही बयान होता था नानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती थी, अब नानी रही नहीं, नाना पहले से नहीं है, तो अब ये भी नहीं बहाना बोला जा सकता कि लालू जी नानी, राहुल जी नाना को देखने गए हैं। लोग इसको पप्पू, इनका कहना कई बार इनको बड़ा फायदा हो जाता था मुझे लगता है, अरे चलो बैंकॉक चला गया मौज लेने के लिए। लेकिन उज्बेकिस्तान की यात्रा ने मुझे लगता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कान खड़े कर दिए हैं, और यूं ही नहीं एएनआई की टीम एयरपोर्ट पे दिखाई दे दी गई और एक भौचक हो गए। तो अब क्या सीखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार बहुत बड़ी होती है और सरकार का तंत्र जो है, आम आदमी हमें और आपको कई बार लगता है कि अरे क्या सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, इस सरकार की औकात ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। कल तक जिनको लगता था कि कुछ नहीं होता है वो देख रहे हैं कि भाई केजरीवाल को भी वारंट आया है। इस देश में असंभव था कि ईडी जो है पूछताछ करेगी राहुल गांधी से, वो भी हुआ। अब आम आदमी को नहीं पता कि ईडी कैसे पूछताछ करती है, तो इन सबका जो भौकलाहट है सर, ये लोग कभी सीबीआई से नहीं डरे, क्योंकि मैंने तो मतलब आप संपादक रहे हैं बहुत दिनों तक, आप बहुत बेहतर तरीके समझ सकते हैं इस चीज को। मैंने तो सर लंबे समय ईडी कवर किया, सीबीआई कवर किया, गृह मंत्रालय कवर किया, ईडी और सीबीआई से इन लोगों को डर नहीं लगता था, ये सफेद पोश कभी नहीं डरे। मैं बार बार ईडी से इन्हें डर लगता है, ईडी मारती भी नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग होता है सर, कोर्ट के सामने पूरा सच्चा। ईडी के बारे में आप भ्रम नहीं फैला सकते, जो कहता है ना कि पैंट गीली हो जाती, बहुत चालाक बनते हैं, ईडी बस स्टाइल है ईडी का। अब जैसे केजरीवाल को बुलाया जाएगा तो जैसे संजय सिंह ने कहा कि मुझे बाहर बैठा दिया गया, मेरा जो लॉकअप था वो उसमें काम हो रहा था, ऐसे नहीं होता, ये जानबूझ करके किया जाता है, तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा कि पहले तुम जमीन पे आ जाओ। ये जो गुरूर है ना कि हम मैं दिल्ली का मालिक हूं, पहले ईडी गुरूर तोड़ेगी। तो इन लोगों के साथ ये दरअसल इनको एक खौफ सता रहा है, ये सीबीआई नहीं है कि मतलब हम बच जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ईडी आंख से पैसा भी निकालेगी, टॉर्चर करेगी, क्योंकि ईडी को लठ नहीं बरसाना है, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग होती है तो लठ नहीं बरसा सकती है, लेकिन हाँ वो आपको इस स्थिति में ला देती है कि आप जमीन पे आ जाए। जैसे कि राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को क्या हुआ, राहुल गांधी से थमा दिया गया ये कागज, भाई साहब ये लीजिए, इसमें अपना नाम पता, मम्मी का नाम, पप्पा का नाम लिख दीजिए। अब राहुल गांधी, राहुल गांधी भाई आई एम द पीएम इन वेटिंग, कहा कि मेरा नाम नहीं जानते हो, ये चीजें बाहर आई, मेरा नाम नहीं जानते हो। बोले नहीं सर, मैं तो जानू या ना जानू सर, ये तो रूल है सर, आप ही को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईडी कोई भी ऐसा काम नहीं करती, आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, मनीष ठाकुर, सन ऑफ फलाना, मदर फलाना, पूरा एड्रेस आपके हाथ से। आप जब राहुल गांधी होते हैं और आपको खुद जब परिचय देना होता है तो आप वहीं टूट जाते हैं, उसके बाद आपका खेल शुरू हो जाता है। तो ये तरीका है, और इसीलिए जो अहंकार इन लोगों का है ना वो टूट रहा है इस देश में, इसी बात को इन सबका है कि हमारा जो हम जो मैं है वो, इन लोगों को सिर्फ इसी का डर है सर कि हमारा मैं टूट रहा है, ये लाल बत्ती, ये तमाम चीजें, सब चीजें खत्म हो गई। मुझे लग रहा है कि इस देश की जनता इस बात को समझ रही है और इन लोगों को समझने में देरी हो रही है, इन लोगों को लगता है विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, अब वो दौर चला गया है। 27 अक्टूबर को एक ट्वीट आता है प्रियंका गांधी वाड्रा का। लिखती हैं, गाजा में 7,000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थमा नहीं। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला न गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार न किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हों।
मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर में कितनी जाने चली जाने के बाद जागेगी, या कोई चेतना अब बची ही नहीं है। और इसके अगले दिन इनकी मम्मी सोनिया गांधी का द हिंदू में एक लेख छपता है जिसमें वो मानवता की बात करती हैं, आंसू बहाती हैं, वैसे ही जैसे बटला कांड के बाद सलमान खुर्शीद ने बताया था कि सो नहीं पाई थी, वैसा ही कुछ अंदाज इस बार है गाजा पट्टी के लिए, और इनडायरेक्ट वे में मैं अगर कहूं तो हमास के लिए। वो जो क्रूरता दिखाई गई थी 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा, जिसमें बच्चों के गले काट दिए गए बर्बरता के साथ में, उसकी सिर्फ एक लाइन में कांग्रेस निंदा करती है, और उसके बाद हमास के साथ, फलिस्तीनियों के साथ, उनको पीड़ित बता करके उनके साथ खड़े होने की तैयारी कर देती है और पूरा जोर लगाती है। क्या ये 5 राज्यों के चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं, लोकसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि देश ने जो लाइन ली है वो इसके इतर जा करके मुस्लिमों के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है वो बार बार शो करने पर उतारू है? बिल्कुल सर, मुझे लगता महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस देश में डेमोक्रेसी है और इस देश में एक वर्ग है बड़ी संख्या में जो थोक में वोट गिराता है, उसे देश की चिंता नहीं है। कई बार मैंने देखा टीवी चैनल पर एंकर कुछ ऐसे इस्लाम परस्त मौलानाओं से पूछते हैं कि आपके लिए संविधान महत्वपूर्ण है, भारत महत्वपूर्ण है या कुरान, तो सीधे कहते हैं बेखौफ से कि कुरान। और ये कहते हैं कि मेरा तेरा मेरा रिश्ता है, कि तेरा मेरा रिश्ता इनका फिलिस्तीन के साथ है, और आप चाहे बिहार के किशनगंज को ले लीजिए, आप बेंगलुरु में ले लीजिए, अलग अलग जगहों पे केरल में ले लीजिए, क्या कुछ हो रहा है। कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो उसी वोट बैंक को, ये उसी वोट बैंक की छीना झपटी है जिसके लिए उनको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को। लेकिन प्रियंका वाड्रा का जो आपने ट्वीट दिखाया ना, वो नैतिकता का दिखाता है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि प्रियंका जी बहुत बढ़िया, बड़ा भावुक है, बड़ी सौहृदय एक महिला है। लेकिन जिस दिन हमास के गुंडे ने किया उस दिन यदि ये लिख देती तो माना जाता कि ऐसा कुछ होता है। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उस पर यदि प्रियंका वाड्रा कभी बोली होती तो माना जाता कि चलो ऐसी ऐसा कुछ है। इनके दादी के मौत पे जब दिल्ली में जो बड़ा पेड़ गिरने से जो धरती हिली थी, उसमें जो टायर लटका लटका करके जो मारा गया था नेशनल कैपिटल में सिखों को, उस पर बोल देती तो लगता कि सहृदय है। ये अमानवीयता है, ये नीचता है, ये घिनौनापन है जो प्रियंका वाड्रा का ट्वीट है, और उनकी मम्मी ने जो किया है वो तो अति है। और हम और आप जानते हैं सर कि इस तरह के लेख जो हैं वो कौन लिखते हैं, वो नाम किसका जाता है, नाम और क्या होता है, सब हम लोग जानते हैं इस चीज को, अखबारी और मैगजीन की दुनिया में इतने दिनों तक रहने के बाद कि किसके नाम पर क्या होता है। तो बड़ी प्लानिंग में भी सोनिया जी से लिखवाया गया होगा कि आप ये लिख दीजिए, आप ये और लिख दीजिए, क्या मतलब ये जो है ये लेख उनके माध्यम से जाएगा। 7 अक्टूबर का एक दृश्य मैं एक जगह का दर्शकों के लिए दे रहा हूँ। 7 अक्टूबर को जो लाशें बिछी हुई थी इसराइल की तरफ और जो हमास ने क्रूरता दिखाई थी, ये इनको दिखाई नहीं देती है। जी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल सर, ये इनको दिखाई नहीं देती, इनको कश्मीर, ये इनको इनको दिल्ली वाल की बात से कभी चर्चा नहीं करते। ये चीजें दिखाती है कि ये लोग एक एक वोट बैंक के लिए भारत के खिलाफ किस स्तर तक जा सकती है। सरकार का एक स्टैंड है, वो सरकार का स्टैंड नहीं है, वो भारत का स्टैंड है। और एक ऐसा देश जिसने हर विपदा में आपकी मदद की है, भले ही आप उसके साथ खड़े हुए हों या ना खड़े हों, एक दोस्त के रूप में आपकी छवि खराब। सर जब हम झगड़ा करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, चाहे रिश्तेदारी में या दोस्ती में भी, लेकिन भारत की कहने की हैसियत में नहीं है इसराइल को कि हमने इसराइल के लिए किया, इसराइल ने मेरे लिए नहीं किया। आप दूसरे देश के लिए कह सकते हैं, आप रसिया के लिए कह सकते हैं, दूसरे देश के लिए कह सकते हैं, आप श्रीलंका के लिए कह सकते हैं, नेपाल के लिए कह सकते हैं, आप बांग्लादेश के लिए कह सकते हैं, आप कनाडा के लिए कह सकते हैं, आप इसराइल के लिए नहीं कह सकते कि तुम्हारे लिए हमने किया, तुमने नहीं किया। इसराइल ये शिकायत आपसे कर सकता है, बार बार कर सकता है, क्योंकि आपने उसके साथ छल हमेशा मतलब छल क्या किया, आपने उसके साथ दोस्ती नहीं निभाई है। पहली बार भारत ने उसके साथ दोस्ती निभाई है। आपको चाहे कोई भी युद्ध हो, 71 का युद्ध हो,
दूर छोड़ दीजिए, 99 वाले में आपने करगिल में दी अपने आप को कंट्रोल किया, तो वो सब इसराइल के कारण ही किया। इसराइल हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ वाले मामले किसी भी मामले में। लेकिन फिलिस्तीन ने आपके साथ क्या किया है, हर वक्त धोखा। वो यासर अराफात आता था और ये भाई बहन का जो ड्रामा चलता था, और उसके बाद यासर अराफात हमेशा कश्मीर के बारे में ऐसी बात करता था। जिनका तेरा मेरा रिश्ता है, मैं तो हमेशा कहता हूं जिनका तेरा मेरा रिश्ता है उनको एक एक बोरी आटा ले। ऐसा है कि मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था अफगानिस्तान, कुछ जो जो ट्रैकर्स होते हैं, जो घूमने वाले कुछ जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो अफगानिस्तान गए हुए थे, उनका वीडियो देख रहा था। उनसे पूछा कि पाकिस्तानी 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 ये दाढ़ी पाकिस्तानी, तो कहा नहीं 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 पासपोर्ट निकाला वाला इंडियन। अफगानिस्तान में उसको कह रहा है, अच्छा इंडियन इंडियन ब्रदर 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 कंट्री ब्रदर कंट्री, पाकिस्तान दुश्मन कंट्री। तो तेरा मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि बगल में जो अफगानिस्तान है वो तुम्हें पसंद नहीं करता। बांग्लादेश में वही आदमी, बांग्लादेश का उसका मैं वीडियो देखा, बांग्लादेश में भी ये कहता कि पाकिस्तान मतलब अपना नहीं है। तो कैसा तेरा मेरा रिश्ता है आपका, या आपका कैसा तेरा मेरा रिश्ता है कि आप 57 देश हैं और इतनी दिन से धमकी दे रहे हैं छोटे से इसराइल को, आप उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहां तेरा मेरा रिश्ता यहां चलता है, ये तेरा मेरा। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी एहसास कराना चाहिए, और योगी जी बेहतर एहसास करा रहे हैं, दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि तेरा मेरा कहने वालों का, और ये चीजें पहले सबसे अधिक ठीक हो। अफगानिस्तान ने हराया पाकिस्तान को, तो जब इरफान पठान ने डांस किया तो पाकिस्तान में इरफान पठान घृणा के पात्र बन गए हुए हैं। तो ये कौन सा तेरा मेरा रिश्ता है, इरफान पठान अफगानिस्तान में हीरो हो गए हैं। तो सही मायने में कहीं इरफान पठान मुस्लिम कंट्रियों में भारत का एक तरह से अफगानिस्तान में भारत का ब्रांड एम्बेसडर हो गए, एम्बेसडर हो गए भारत के। तो अभी ये मुझे लगता है कि इस चीज से तेरा मेरा रिश्ता समझना चाहिए कि आपका यदि तेरा मेरा रिश्ता ही है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से घृणा क्यों करता है, बांग्लादेश क्यों घृणा करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को एक रोटी देने के लिए मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं तैयार हो रहा है। ये इसलिए कि समझना चाहिए कि देश आपके लिए प्रायोरिटी, आप जिस देश में रह रहे हैं यदि वहां से कुछ किया जाएगा तो हम सबको क्षति होगी ना। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा एक धर्मांधता वाले गैंग को, उस दिन मुझे लगता है कांग्रेस की राजनीति सब ठीक हो जाएगी। कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का सब कुछ, कहते ना चरित्र हनन खरान के, सर बचपन में कहावत है ना कि आपका अन्न, आप जो अन्न खाते हैं ना वैसा मन होता है। ये सनातनियों में तो कहता है अन्न जैसा, आप भ्रष्टाचार का बेईमानी का पैसा जब अन्न खाते हैं ना तो आप वैसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को करप्ट एक समुदाय विशेष के वोट बैंक ने बना दिया, वरना मुझे नहीं लगता सर चरित्र से कोई राष्ट्रद्रोही होता होगा, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता होगा। शायद कई बार दया आती है कांग्रेस के ऊपर कि बेचारी पार्टी ऐसी हो गई है कि उसको उस वोट बैंक के कारण भारत के खिलाफ ऐसा कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, ये जो महुआ मोइत्रा को बचाने की कोशिशें हर स्तर पर हो रही हैं, यानी राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए, शशि थरूर भी, सीताराम येचुरी भी, ये सफल हो पाएंगे या महुआ मोइत्रा भी देर सवेर उधर ही गमन करती हुई दिखाई देंगी जिधर आजकल आम आदमी पार्टी की पूरी सेना एक एक करके जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं सर, कोई बचा नहीं पाएगा। महुआ मोइत्रा को साफ समझ में आ गया है कि अब उनको कोई बचा उचा नहीं पाएगा, और यही कारण है कि ये जो एकाएक मैं भी मेरा भी फोन टेप हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, ये षड्यंत्र सब दिख रहा है। महुआ जी का तो पूरा सबूत और साक्ष्य आ चुका है, और इसीलिए पार्टी पहले ही किनारा कर ली है। ये ममता बनर्जी कोई केजरीवाल से कम थोड़ी ना है। देखिए अब तक ममता जी ने कितना महुआ जी के लिए बयान जारी किया है। तो महुआ मोइत्रा को सब समझ में आ गया है कि अब पानी जो है ना वो नाक से ऊपर जा चुका हुआ है।